हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। सानवियन खुशी हो चुके हैं रेडी स्कूल कराटे क्लासेस जाने के लिए। और अभी ये थोड़ा सामान डिलीवर हुआ है, बिग बास्केट से मंगाया था मैंने। ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्स, चाय पत्ती मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और आप में से बहुत लोग पूछ रहे हैं कौन सी चाय पत्ती यूज़ करती हूँ। मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ लेकिन आप लोग मिस कर देते हैं शायद वीडियो, तो मैं ये टाटा टी गोल्ड यूज़ करती हूँ। थोड़े मशरूम मंगाए हैं मैंने, कोरिएंडर, और यहाँ पर है बीट रूट और हरी मिर्चें, थोड़ी ड्रम स्टिक्स हैं, बाकी रस्क एंड शुगर। और मेरे घर में ना ये क्रिस्टल टॉर्टॉइज़ है, तो मैं इसको क्लीन करने लगी थी। एक्चुअली इसमें पानी भर के रखते हैं ना, तो थोड़े वक्त के बाद पानी के निशान आने लगते हैं, और थोड़ा सा वो एक सफ़ेद सफ़ेद निशान तो आते ही हैं पर एक स्लाइट स्लाइमी सा भी हो जाता है। इसलिए इसको मैं रेगुलर इंटरवल पे क्लीन करती रहती हूँ। सिर्फ इसको नहीं, मंदिर से रिलेटेड हर एक चीज़ को मैं हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर वॉश कर देती हूँ। इससे क्या है, वो एकदम साफ़ सुथरे और सुंदर से बने रहते हैं। और कई बर्तन तो ऐसे हैं जिन्हें धोने के बाद अगर आप देखें ना, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल नए हैं। और मेरी आवाज़ अगर आपको आज थोड़ी बदली बदली लग रही है, तो रीज़न ये है कि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। रात को सोने से पहले तबीयत बिल्कुल अच्छी थी, सुबह जागी हूँ तो मेरा थोड़ा कोल्ड हो रखा है, गले में दर्द है और नाक में ऐसा छींके जैसा फील हो रहा है, इन शॉर्ट। और ये भी मैंने धो के रखा है, ये आप जानते हैं मेरा कपूर वाला दिया है। तो अभी तो बच्चों को लेकर जाना होगा मुझे कराटे क्लासेस, बट एक बार मैं वापस आ जाऊँगी ना, तब फिर मैं दिया बाती करूँगी और इसको भर के रखूँगी जल से। अच्छा, मुझे है ना कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप ये क्यों रखते हैं घर में। गाइज, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि टॉर्टॉइज़ क्यों रखा जाता है। और ये देखे मेरा हाथ है ना, जल गया था। बाय द वे, मुझे नहीं पता है कि टॉर्टॉइज़ को इस तरह क्यों रखा जाता है घर में। मुझे मेरी सासू मोम ने कहा था रखने के लिए, तो मैं रखती हूँ। और जिस चीज़ से हमें कोई नुकसान नहीं है, उन बातों में बड़ों का रेस्पेक्ट करने में, आई डोंट थिंक कुछ जाता है हमारा। शानू खुशी के कराटे क्लासेस से वापस आने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया दिया बाती करना। एक्चुअली आजकल दिया बाती सानवी खुशी को सिखा रही हूँ मैं, तो सब कुछ करके मैं ही देती हूँ, बस उनसे दिया जलवाती हूँ। तो थिंग इज़ कि मैं है ना माचिस का इस्तेमाल करती हूँ, और आजकल जब वो लोग बाती करते हैं, हालांकि मैं अपने सुपरविजन में ही कराती हूँ, इट्स अ सैड कि मैं उन्हें सिखा रही हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ना एक वो जो कैंडल लाइटर होता है वो ले लेना चाहिए, वो थोड़ा सेफ़ भी है। अगर आप लोग कैंडल लाइटर का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे प्लीज़ कोई अच्छा वाला सजेस्ट कीजिएगा। तो बस यहाँ दिया बाती की तैयारी हो रही है। जैसा मैंने कहा, मैं पहले दोनों दिए प्रिपेयर कर दूँगी, साफ़ करने के बाद, बाती लगाने के बाद मैं ये दे दूँगी सानवी खुशी को, वो मंदिर में रख के इन्हें लिट कर देंगे। और इसके बाद मुझे बनानी थी चाय अपने लिए, बट मैं कराटे क्लासेस लेकर गई थी शानू खुशी को, वहाँ बैठे बैठे मुझे भूख लग रही थी, तो मैं सोच ही रही थी कि घर जाके ऐसा क्या है जो मैं फटाफट से बना लूँगी। तो सोच कर ही आई थी मैं कि क्या बनाना है। एक्चुअली लंच में मैंने राइस बनाए थे। जब भी मैं राइस बनाती हूँ ना, तो मैं थोड़े से ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि राइस अगर बच जाए ना तो उसका फिर फ्राइड राइस बहुत अच्छा बनता है, जो लेफ़्ट ओवर होते हैं। तो आप कह सकते हो कि लेफ़्ट ओवर का मेक ओवर, लेकिन मैं तो जानबूझकर ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि वो जो ठंडे चावल हो जाते हैं ना, उनका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, और उससे आप किसी भी तरह का फ्राइड राइस बनाइए, बहुत मस्त बनता है। तो सानवी खुशी को भी मुझे कुछ तो देना ही था मंचिंग के लिए, खाने के लिए, क्योंकि डिनर बनने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए मैं शाम में उन्हें ज़रूर थोड़ा बहुत कुछ दे देती हूँ, जिससे उनको भूख लग रही है ऐसी फीलिंग ना आए, और वो पढ़ाई या जो भी कर रहे हैं वो आराम से कर सकें। तो ये जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, ये कोई ख़ास तो है नहीं, एकदम सिंपल वाली है। मेरे चाइल्डहुड में मैंने अनगिनत बार ये रेसिपी खाई है, क्योंकि हम लोग चावल थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना लेते थे और फिर बाद में इस तरह रिफ्राई कर लेते थे। मेरी मम्मी, अगर आप जानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थी घर के कामों में, किचन के कामों में, उनकी हालत की वजह से, तो बहुत सारा काम
मैं और मेरी बहनें मिलकर संभाल लेते थे। वो अलग बात है कि मुझे कुकिंग ठीक ठाक नहीं आती थी, वो सब मैंने ध्यानपूर्वक कि किस तरह किस चीज़ों को डाला जाता है, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या टेक्निक होता है, क्या टेम्परेचर होता है, ये सब मैंने शादी के बाद सीखा। बट डे टू डे बेसिस पे जो खाना हम खाते हैं, दाल रोटी वगैरह, ये सब मैं बहुत पहले से मम्मी के घर में करती ही रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि फैंसी कुकिंग मैंने बाद में सीखी है। तो ये जो पुलाव है ना, इसके लिए थोड़ा सा ऑयल लेकर मैंने थोड़ा प्याज टमाटर और हरी मिर्चें भून लिए हैं, और इसके बाद मैंने डाला है इसमें एक मसाला मैगी का पैकेट। आप चाहे तो ये मत डालिए, थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने ऐड किया है। सिर्फ गरम मसाला और जो नॉर्मल रूटीन के मसाले होते हैं ना, वो मिला के आप भून लीजिए आपका भुना मसाला। और आपके पास अगर बिरयानी मसाला है या पुलाव मसाला है तो थोड़ा आप वो भी डाल सकते हो। पर मेरे बच्चों को मैगी मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये पुलाव मैं भी कई बार बना चुकी हूँ, मैं रिपीटेडली बनाती हूँ क्योंकि ये बच्चों को फ्राइड राइस पसंद है मेरे। और मैगी मसाला अगर डालकर बनाया जाए ना, तो हर बच्चे को हर सब्ज़ी पसंद आती है। आप ये राइस ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। तो बस इतने ही मिनिमम से मसाले डाल के मैंने इन चावलों को भून लिया है। इधर मेरी चाय भी तैयार हो गई है, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, देखने में मस्त लग रहे हैं, बिल्कुल बिरयानी जैसे, और खाने में भी ऑसम है। आप बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे ये सिंपल इजी वाले राइस। आप चाहे तो और भी बहुत सारी इसमें वेजिटेबल्स एग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो बहुत सारे स्टाइल में यही सिंपल राइस को बनाती हूँ, कभी एग मिला देती हूँ, कभी कोई ख़ास वेजिटेबल्स मिला देती हूँ। एंड सानवी खुशी को हर बार पसंद आता है, अगर आपने नोटिस किया है सानवी का रिएक्शन, दे जस्ट लव दिस प्रिपरेशन। शाम को जब मैं चाय वाय पीती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा वक्त एक्स्ट्रा लेकर बैठती हूँ। मैं चाय पी के एकदम किचन में कभी नहीं आती, थोड़ी देर आराम से मैं या तो म्यूज़िक सुनती हूँ या लाइक एनीथिंग, जिससे मैं थोड़ा रिफ़्रेश फील करूँ। इसके बाद फिर मैं, ये ब्रेक हो जाए तो इसके बाद मैं वापस किचन में आके डिनर बनाती हूँ। तो मैं वन गो में सारी रेसिपीज़ बना लेती हूँ, मतलब सब्ज़ी वगैरह, और फिर मैं वापस ब्रेक लेकर फिर चपाती बनाती हूँ। तो इस तरह मैं थकती भी नहीं और आराम से मेरा सारा काम हो जाता है। आज मैं बनाने लगी हूँ बैंगन की एक रेसिपी, बिल्कुल अलग स्टाइल में आपके साथ शेयर करूँगी। यूजुअली हम बैंगन भूनते हैं और मसाला फ्राई करते हैं, पर ये उल्टे तरह से मैं बना रही हूँ। पहली बार नहीं बना रही हूँ, मैं बनाती हूँ और लेकिन कम बनाती हूँ, पर मेरे घर में पसंद की जाती है। तो आपको टमाटर लहसुन और हरी मिर्चों को इस तरह से भून लेना है, जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी एक चटनी के लिए बताया था। ऐसे ही फुल से मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से चार्ड होने तक भून लीजिए। इसका जो छिलका है ना, वो हटने लगेगा, आप फील कर सकते हैं। जो लहसुन है उनका छिलका जल चुका होगा, और टमाटर की जो स्किन है वो फटने लगेगी, और मिर्च भी पूरी तरह भून लीजिए। और ऐसा अच्छा भूनने के बाद आप इन्हें निकाल के एक प्लेट पर रख दीजिए। इनको हाथ मत लगाएगा, ये बहुत गर्म है अभी, थोड़े ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इन्हें प्रोसेस करेंगे। तो ये तो हो गया मसाला तैयार। प्याज मैं चॉप करूँगी, उसके साथ मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ। ये मसाला ठंडा हो जाएगा तो इसे मैं ग्रेटर जो है मेरा चॉपर, मैनुअल चॉपर, उसमें चॉप कर लूँगी। और यहाँ पे लिए हैं मैंने भरते वाले बैंगन। मैं बेसिकली भरता बनाने के लिए ही बैंगन लाई थी, बट मैंने फिर सोचा कि मैं आपको ये वाली रेसिपी दे देती हूँ, नहीं तो फिर कभी कभी माइंड से फिर स्लिप हो जाता है। तो आप कोई भी बैंगन के साथ ये रेसिपी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको भरते वाले बैंगन ही लाना है। और वो जो बैंगन होते हैं ना, जो लंबे लंबे होते हैं, वो बहुत क्रीमी होते हैं, उसका टेस्ट अलग ही होता है, मुझे वो खासकर पसंद है। उसके साथ तो ये रेसिपी और भी अच्छी बनती है। तो आपको है ना, बैंगन लेकर धोकर पोंछकर इस तरह बारीक बारीक काट लेना है, और कटे हुए बैंगन को नमक डले पानी में आपको डुबा के रख देना है, अदरवाइज़ ये कलर चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे ही करके मैंने सारे बैंगन काट लिए हैं, तीनों बैंगन।
आप चाहें तो कम ले सकते हैं बैंगन की मात्रा, चाहे तो ज़्यादा, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। कढ़ाई में मैंने ले लिया है तिल का तेल, और मुझे कुछ सवाल आ रहे थे तिल का तेल आपको कैसा लग रहा है, तो मुझे पसंद आ रहा है। इसका टेस्ट डोमिनेटिंग नहीं है, सब्ज़ी में घुल जाता है, ऐसा आपको नहीं लगता कि आपने अलग से कुछ इस्तेमाल किया है। तो सो फार सो गुड फॉर मी, मुझे पसंद आ रहा है। जो तेल है ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तो इसमें डायरेक्टली मैंने प्याज़ ऐड किया है, जीरा वगैरह नहीं ऐड किया है, और ये प्याज़ मुझे लाल नहीं करना है। थोड़ा सा बस लाइक 10% जैसा ये कुक हो जाएगा, तो इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी इसमें जो बैंगन मैंने काटे थे। और अब फंडा क्या है कि ये जो बैंगन है और जो प्याज़ है, इन दोनों को मैं एक साथ भूनूंगी। और बैंगन की सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही जाता है, मर्ज़ी आपकी है, आप कम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ज़्यादा तेल, जैसा आप चाहें वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन जितने अच्छे भून के आप बनाओगे ना, उतना अच्छा वो क्रीमी होंगे और उनका टेस्ट निखर के आता है। तो यहाँ मीडियम टू हाई फ्लेम पे चला चला के ये बैंगन मैं भून लूँगी। आपको इन्हें एकदम ही जैसे कैरमलाइज नहीं हो जाते, इसको ब्राउन कलर आ जाए उस तरह भूनना है, उस लेवल तक भूनना है। ये कम से कम 60-70% पक चुके होंगे, अच्छे ब्राउन ब्राउन हो चुके होंगे, तब तक हम इनको भूनने का वेट करेंगे। तो जो टमाटर मिर्ची और लहसुन मैंने भुने थे उनको मैंने छील लिया है, और यहाँ देखिए कैसे अच्छे कैरमलाइज होने लगे हैं प्याज और बैंगन। ऐसे ही हमको इन्हें कुक करना है, और आप देख भी सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं ये। तो जो टमाटर मिर्ची और लहसुन हमने भुना था ना, उसको चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ बैंगन भी अच्छे खासे कैरमलाइज हो चुके हैं, अब मैं इनको मसाला कर दूँगी। तो मसाले में मैंने लिया है हल्दी मिर्ची और धनिया का पाउडर, और इन सबको थोड़ा सा ऐसे जो तेल है ना उसके ऊपर डाला है मैंने, जिससे इन्हें ज़रा सा भूना जा सके। थोड़ी देर इन्हें भून लीजिए, और उसके बाद जो आपने प्योरी जैसी तैयार की है ना, चटनी जैसी टमाटर वाली, वो ऐड कर दीजिए। और इसके बाद इन चीज़ों को मिला के आपको इन्हें कुक करना है। हालांकि टमाटर की चटनी ऑलरेडी कुक्ड है, बैंगन भी काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं, पर फिर भी इसे कम से कम 15-20 मिनट पे स्लो फ्लेम पे पकाइएगा ज़रूर। एकदम ही सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। स्वाद के हिसाब से नमक मैंने इस स्टेज पे डाला है, क्योंकि नमक डालते ही जो बैंगन है वो पानी छोड़ देते हैं, इसलिए नमक शुरुआत में मत डालिएगा। अगर आप शुरुआत में नमक डाल देंगे ना, तो बैंगन फिर फ्राई नहीं होंगे, वो शुरू में ही पानी छोड़ देंगे, और फिर आपको अच्छा सा टेक्सचर नहीं मिलेगा। थोड़ी देर कुक करने के बाद मैंने ऐड किया इसमें ज़रा सा गरम मसाला, और आप चाहें तो छिलका भी उतार सकते हैं बैंगन का। आप जो देख रहे हो ना, इसको एक डार्क कलर आ गया है बिकॉज़ छिलके की वजह से, तो अगर आप छिलका उतार देंगे तो लाइट कलर की बनेगी ये सब्ज़ी, इन केस कलर मैटर्स टू यू, अदरवाइज़ टेस्ट तो इसका दोनों ही सूरतों में बहुत अच्छा है। और सब्ज़ी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, और ये देखिए बच्चों का रूम। आज मैंने इस रूम में इतना काम किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। स्टार्ट के मैंने कैमरा लेकर नहीं किया तो नहीं बताया जा सकता। ये जो आप देख रहे हो ना, सिर्फ इतना ही सामान फैला हुआ है ये खुशी के ओलंपियाड्स के, यू नो। तो ये सारी अलमारी, ये वाला और दिस अलमारी, ये सब मैंने आज अरेंज किया है। और यहाँ पीछे अगर आपको याद हो तो शर्मा जी का शौक वाला जो प्लाईबोर्ड था वो मैंने रखा हुआ था, मैंने नहीं, शर्मा जी ने रखा था, बिकॉज़ मॉनसून लग गया था तो फिर ख़राब हो जाती ना लकड़ी बाहर, तो उसको उठा के यहाँ रख दिया था, जिससे उनको मन आए बाद में तो वो बाद में उसको यूज़ कर सकें, पर वो कभी यूज़ नहीं किया, तो आज मैंने उसको निकाल दिया। मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो चूल्हे में खाना बनाती है, मैंने उसको दे दिया, शायद उसके किसी काम आए, हालांकि मैंने शर्मा जी से पूछ के ही दिया है, एंड ही वाज आल्सो ओके विद दैट। और मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि शानो खुशी का रूम आप दिखाइए कैसा है, तो रूम तो आपने देखा है एक्चुअली कैसे चीज़ें वो रखते हैं। देखिए गाइस, मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन क्लिप आपको नहीं दिखा रही, इट्स जस्ट दैट आपने पूछा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है शानो खुशी का अलमारी, यहाँ ज़्यादातर उनके टॉयज़ हैं, बाकी सब इस बेड के अंदर रख दिए हैं हम लोगों ने, क्योंकि जिन चीज़ों को वो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते वो इसके अंदर चले जाते हैं। उनकी 8-10 दिन की इनर रोज़ जब छुट्टी होती है
तो इसमें से निकाल देते हैं हम लोग टॉयज़, जैसे टेंट हाउस वगैरह हो गया, उनके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं आप जानते ही हैं, तो तब हम लोग निकाल देते हैं, अदरवाइज़ वो सब इसके अंदर रहते हैं। तो जो वो यूजुअली यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पे रखा हुआ है उन लोग का, जैसे वो एक डॉल हाउस है, ये कीबोर्ड टाइप है, और थोड़े से कपड़े इधर हैं, थोड़े कपड़े ऊपर हैं, इधर ये सब आप देख रहे हो ना, ये 4 बैग्स हैं सामी खुशी के, देन सम बैग्स हियर, और ये सब ड्रेसेस हैं उन लोगों के। और थोड़े कपड़े यानी कि वुलन्स इधर हैं, और ये इधर ये सब वुलन्स ही हैं, बाकी थोड़ा सामान इधर है और थोड़े टॉयज़, एंड पीछे भी सामान रखा हुआ है। तो एक्चुअली 2 दिन से मेरा बिल्कुल हालत ठीक नहीं थी, ऐसा नहीं है कि मैं बीमार थी, पर इंसान मेंटली भी समटाइम्स वीक फील करता है, एंड आई वॉज सो इमोशनली डाउन फॉर दोज 2 डेज, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। तो जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी थी, और इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और आज मैं फिर से बाजरे की रोटी बना रही हूँ। एक्चुअली बाजरे की रोटी मेरे घर में पसंद की जाती है, डेली बेसिस पे हम लोग नहीं खा सकते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, हफ्ते में एक बार ज्वार बाजरा या मक्के की रोटी मैं ज़रूर बनाती हूँ। शानू खुशी चलो बेटा टीवी बंद करो, सुबह के लिए बैग लगा लो। बेटा टीवी बंद करो, सुबह के लिए बैग लगाओ। हाँ मैं इसके बाद बंद कर रहा हूँ। ऐसे क्या रोना धोना? क्या गिर गया? नहीं इट्स ओके, आई विल चेक। कभी पता चले कितनी देर में खत्म हो रहा है ये? थोड़ी सी देर में। थोड़ी सी देर क्या होता है? 10 मिनट में। हाँ 10 मिनट देरी में, आखिरी 10 मिनट, इसके बाद जाके बैग लगाओ, यूनिफॉर्म निकालो, वरना पिटाई पिटाई। बेटा 10 मिनट ऐसे नहीं ना। और बाजरा की रोटी कैसे बनानी है इसके बारे में एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस रोटी को बनाने के लिए आपको 2 बातों का तो ज़रूर ध्यान रखना है। पहला तो ये कि सारा का सारा आटा आपको एक बार में नहीं लगाना है, क्योंकि आटा फिर लूज़ हो जाता है, तो जितना एक बार में खाया जाए, जैसे अभी मैं सिर्फ सानवी खुशी के लिए आटा लगा रही हूँ, जब शर्मा जी घर आएंगे तो उनके और मेरे लिए मैं खाना बना लूँगी। और दूसरा ख्याल आपको ये रखना है कि अगर आप ज़रा सा ल्यूकवॉर्म वाटर लेंगे ना, तो आटा हैंडल करने में आपको ईजी रहेगा, आप आराम से रोटियाँ बना सकेंगे। और रोटी इसका टेस्ट है ना डेवलप करने में थोड़ा वक्त लगता है, पर अगर आपको इसका स्वाद पसंद आने लगेगा ना, तो आपको अंदर से खुद फील होगा कि मैंने बहुत दिन से बाजरे की रोटी नहीं खाई है, मुझे आज बाजरे का रोटी बनाना चाहिए। एंड मुझे ऐसा सिर्फ बाजरे के लिए नहीं, ज्वार और मक्का की रोटी के लिए भी लगता है। मैं उन्हें फ्रीक्वेंटली नहीं खा सकती हूँ, बट देन मैं अपनी डाइट में उन्हें शामिल ज़रूर करती ही हूँ, मुझे उनका टेस्ट लाइक फॉर अ चेंज पसंद आता है। Thank you.
और ये है आज की एकदम सिंपल सी डिनर थाली, बैंगन की सब्जी, गुड़ और बाजरा की रोटी। और बाजरे की रोटी को ना बाजरी भी कहते हैं, तो इसके साथ तो मैं सच बोलूँ आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ गुड़ और छाछ के साथ भी बहुत प्यार से इसको खा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे शर्मा जी की तबीयत के बारे में। शर्मा जी शक्ल दिखाओ, इनकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, ऊपर से ये दाढ़ी और बढ़ा ली है तो और बीमार जैसे लग रहे हैं। इनको लग रहा है कि कूल लग रहे हो, मैं दो दिन से बोल रही हूँ काट दो, नहीं अच्छा लग रहे हो। आप बताना मुझे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, दिखाना जरा शक्ल। नहीं अच्छा लग रहा है, उतनी बढ़ने तो दे, आजकल ऐसा फैशन चल रहा है, लोग सब इतनी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रहे हैं। नहीं तुम इतनी बड़ी नहीं रखोगे, नहीं थोड़ी सी भी नहीं रखोगे, मुझे पसंद नहीं। खाना अच्छा है, सब्जी अच्छा है, आज अलग तरह से बनाया, कुछ अलग है पर अच्छा लगा। शर्मा जी बाय द वे बिल्कुल बैंगन नहीं खाते हैं, सिवाय बैंगन का भरता कि उन्हें किसी भी तरह का बैंगन पसंद नहीं है। पर ये पसंद है क्या? आया अच्छा लगा। ओके, मैं दूसरी चपाती लाती हूँ। अरे सुनो, मुझे वो तो दे दो थोड़ी सी मूली। देती हूँ जस्ट अ सेकंड। सोने जाओगी कि मार खाओगी? इनको देख रहे हो, ये लोग घर में ही एक दूसरे के ऊपर पंचेस ट्राई कर रहे हैं, और ये सोफा तो मैं दिन में 1000 बार बनाऊं तो 2000 बार ये लोग फैलाएंगे। ओए डोंट डू दैट, सरप्राइज अटैक। नहीं चल सोने जा, से गुड नाइट। गुड नाइट, हम लोग एंड कर रहे हैं। बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।